लोकसभा चुनाव के टिकटों की पहली सूची जारी होने के बाद अब शेष सीटों पर दावेदारी जताने के लिए नेताओं ने पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनावों में हाशिए पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मीणा की पत्नी और पूर्व विधायक गोलमा देवी ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की। गोलमा देवी ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दावेदारी जिताते हुए कहा कि दौसा लोकसभा क्षेत्र से उन्हें या उनके पति किरोड़ीलाल अथवा देवर जगमोहन मीणा में से किसी एक को टिकट दिया जाए। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए ईमानदारी से हमें टिकट दिया जाए। अगर भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया गया तो पार्टी को नुकसान होगा। मुलाकात करी है, मैंने टिकट के लिए करी है भाई। मैं एमएलए का तो ना लड़ब नीचा भाई, तो मैं इसी जगह से दे दी, मेरे को टिकट इसी जगह से दे दिया अन्य ऊपर वाला अन्य, तो यह वजह से मैं हार गई। तो अब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ बचा भाई, पहले तो एमएलए को दे दिए अन्य, अब लोकसभा को लड़ बचाऊ, चाहे तो मोह को दो, चाहे मेरे पति को दो, चाहे मेरे देवर को दो, तीनों को लोकसभा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।